हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे कस्टडी ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे की कस्टडी को लेकर आज की वीडियो में बात होगी। इस वीडियो में जानेंगे अगर पति और पत्नी में डिवोर्स हो जाता है या फिर वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री लगाते हैं, कोर्ट में अलग रहने की डिक्री लगाते हैं, तो बच्चे जो होंगे वो किसके साथ रहेंगे, माता के साथ या फिर पिता के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको नॉलेज मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और उस वीडियो को देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो बच्चे की कस्टडी को लेकर एक हमारा कानून है उसका नाम है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसमें जो है बच्चे की कस्टडी के बारे में बताया गया है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाएगी। ओके, जो ये गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक्ट जो है सेकुलर लॉ है, सेकुलर कानून है। सेकुलर कानून मतलब कि ये हिंदू पर भी एप्लीकेबल होता है, मुस्लिम पर भी होता है, क्रिश्चियन पर भी होता है। हालांकि जो इसके सारे प्रोविजंस हैं गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के, जितने भी सारे प्रोविजंस होंगे, सेक्शन होंगे, वो सारे जो हैं हिंदू लॉ पर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लॉ के थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंस है। आज की वीडियो में बात करेंगे गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में क्या बताया गया है कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, माता को मिलेगी या फिर पिता को मिलेगी। तो अगर पति और पत्नी का डिवोर्स हो जाता है और उनका कोई बच्चा है 5 साल से कम की उम्र वाला, 5 साल से कम है उनका बच्चा, तो उस बच्चे की कस्टडी जो है माता के पास जाएगी, यानी कि उसकी मदर के पास जाएगी, अगर वो बच्चा 5 साल से कम की आयु वाला है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बच्चा होगा 5 साल से कम तो वो मदर के पास जाएगा। लेकिन जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको पालन पोषण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की होगी। फादर जो है मदर को मेंटेन करेगा, बच्चों को मेंटेन करेगा। ओके, उनको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी कौन करेगा, फादर करेगा। फादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। अगर बच्चा 5 साल से कम है उसकी कस्टडी मदर को मिलेगी और फादर जो है उसको मेंटेन करेगा। अब बात करते हैं अगर बच्चा बड़ा है तो। देखिए फ्रेंड्स, इस ये जो मैं आपको रूल बताने वाला हूँ ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, यानी कि मतलब कि ऐसा ही फॉलो नहीं करा जाता कोर्ट में। हालांकि ऐसा ज़्यादातर फॉलो करा जाता है, ऐसा ही नहीं ज़्यादातर फॉलो करा जा सकता, डिपेंड करता है केस टू केस, और कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट ये अपनी मर्जी से डिसाइड करेगी कि जो है किसको जो है कस्टडी दी जाएगी। ओके, अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा की वाला उम्र वाला है, तो अगर वो बच्चा जो होगा लड़का होगा तो उसकी कस्टडी जो है फादर को मिलेगी, अगर वो लड़की होगी उसकी कस्टडी मदर को मिलेगी। ओके, अगर बच्चा बड़ा बच्चा जो है वो लड़का है उसकी कस्टडी उसके पिता को दी जाएगी, अगर लड़की है बड़ी लड़की है उसकी कस्टडी मदर को दी जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूँ ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर। अब दोस्तों, इसको देखते हुए कि कस्टडी फादर को दी जाएगी या मदर को दी जाएगी, इसको देखते हुए कोर्ट जो है उसका मेन फोकस इसी के ऊपर रहेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, यानी कि बच्चे की परवरिश कौन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, फादर कर सकता है या मदर कर सकती है। जो ज़्यादा बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकता है कोर्ट उसको कस्टडी देती है। ओके, सो अब बात यह आती है कि अगर बच्चे की मर्जी पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती, फिर यह भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए फ्रेंड, जो बच्चे की मर्जी होती है, अगर बच्चा 9 साल से ज़्यादा का है तो बच्चे का ओपिनियन कोर्ट ले सकती है। अगर बच्चे की उम्र 9 साल से कम है तो बच्चे का ओपिनियन मैटर नहीं करता।
अगर बच्चे 9 साल से ज़्यादा है उसका ओपिनियन मैटर करेगा, और कोर्ट जो है बच्चे की राय ले सकती है, ओपिनियन ले सकती है, आप किसके साथ रहना चाहते हो, फादर के साथ या फिर मदर के साथ। हालांकि कोर्ट के ऊपर ये बाउंड नहीं है कि उसने पूछना ही पूछना है हर एक बच्चे से, वो कोर्ट की पावर के ऊपर है कि कोर्ट जो है उससे पूछती है या नहीं पूछती। और बच्चे से ओपिनियन लेने का मतलब ये नहीं है जो बच्चे ने कह दिया वही होगा। डिसाइड किसने करना है? डिसाइड कोर्ट ने करना है। कोर्ट फिर भी देखेगी कि बच्चे की परवरिश कौन अच्छे से कर सकता है। अब बात आती है इल ट्रीटमेंट की। इल ट्रीटमेंट यानी कि अगर बच्चे को कोई उसके फादर हैं वो दारू पीकर मारते हैं, या फिर उनको गाली गलौज करते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उनके चांटे मारते हैं। सो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी कोर्ट यही देखेगी कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर कुछ ऐसी कंप्लेंट मिलती है कोर्ट को कि उसके फादर ऐसे करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। ये सारे जो रूल मैंने बताए ये कोई रिजिड रूल नहीं है, यानी कि 2 + 2 = 4 ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट देखती है, कोर्ट मेनली यही देखती है कि बच्चे की परवरिश कौन अच्छे से कर सकता है, यानी कि किसके पास फाइनेंशियल इनकम सोर्स बढ़िया है, किसके साथ बच्चा खुश रह सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चे का बेनिफिट किस में है। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें जो हैं कोर्ट देखती है एक बच्चे की कस्टडी के समय। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर, या फिर मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मुझे मेल कर दो, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो जो है लेकर आऊँगा, आपके डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ पता लगा हो तो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा सो प्लीज़ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनका कोई केस चल रहा है उनके साथ जो है ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि बच्चे की कस्टडी कैसे और ली जाती है। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।